सालों से प्रॉब्लम है? पानी तो हर साल प्रॉब्लम होती है, इस साल कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। पानी गंदा आता है और कभी कभी तो आता भी नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, कितने कितने दिनों तक नहीं आता? कम से कम नहीं तो हफ्ते हफ्ते भर तक नहीं आता पानी। फिर आएगा हफ्ते भर बाद तो क्या, उसमें गंदा पानी आएगा, दो तीन बाल्टी आएगी, उसके बाद में आएगा ही नहीं। पानी की तो समस्या ऐसी है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है पानी की यहाँ पे। पब्लिक कितनी है? बहुत ज़्यादा पब्लिक है। सरकारी टैंकर आता पानी का तो उसमें किसी को मिलता किसी को नहीं मिलता, ये होता है बस, और क्या है। और पानी की समस्या तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इस रोड पर तो बिल्कुल पानी है ही नहीं। ये पानी की समस्या बेटा 2.5 महीने करीब हो गई है, 2.5 महीने से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इतना बुरा हाल हो गया है कि हम लोग का कहना, सारे के सारे इधर के जितने भी बस्ती वाले हैं सब शौचालय में जाके नहाना के आ रहे हैं। और ये पीने का पानी लोग यहाँ से खरीद के लेके जाते हैं और पीने के पानी से काम चलाने, जो सब्जी रोटी बनानी होती है वो काम करने होते हैं। अब बच्चे सवेरे ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाने के लिए हमें पानी भर के ला के देना पड़ता है उनको ऑफिस आने के लिए। ये समझ लो कपड़े लगते भी हमें शौचालय में जाके धोने पड़ रहे हैं बच्चों को ऑफिस के भी। ये हाल हो रहा है यहाँ पर। विधायक हमारे यहाँ से सिर्फ 400 मीटर की दूरी पे रहते हैं। यहाँ पे बहुत साल हो गई है, हमारे यहाँ की समस्या कोई हल नहीं कर पाया। हमारा हल ये था कि हम कांग्रेस से भी दुखी हो गए थे और बीजेपी से भी दुखी हो गए थे, तो हमने सोचा चलो कोई नई पार्टी आई है तो इसको मौका देते हैं। लेकिन ये नई पार्टी ने तो बहुत ही बुरा हल कर दिया। आम आदमी पार्टी अभिषेक रवि जो हैं वो हमारे यहीं के रहने वाले, इसी क्षेत्र के अंदर यहीं की पैदावश है उनकी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया। ये सोच रखे हैं कि नर्क की ज़िंदगी जी रहे हैं यहाँ पर, देख लो। दो साल में ये बच्चे ला के देखे बाकी देते दे दे ला कर, अब उससे क्या होता है? सारे नल खोल के देखे तो पानी से मारे लो, जैसे जरा सा लेन भरा, ये देखो ये कोई पानी नहीं है किसी में नहीं है, देखो ये जरा सा देखो पानी आया हर साल यही जमाना। मैं तो जैसे शादी करके जैसे पानी की टूटी दी है 50-60 साल हो गई, अब बाकी कहाँ से भर के लाओ? मैं फिर पैदल से नहीं चला जा रहा तो पानी भर कर कैसे लाऊँ बताओ? बोलने में सांस भर रहा चला नहीं जाता, तो बेटा ऐसी कोशिश करो पानी की कोशिश जल्दी करो, तुम तो गर्मी में नहाया भी कभी नहीं रह जाता। पानी की तो इतनी है बेटा कि बस पीने के लिए भी तरस रहे, कहाँ तक बाजार से लाएंगे? 200-300 रुपए का पानी आ जाता, अब परेशानी में बीमार और हो जाते बेटा। अभी कई कई दिन रोज के नहाने वाले हैं तो कई कई दिन में नहा रही हूँ मैं, 10 दिन हो जाए 5 दिन कोई पता नहीं है, और बर्तन भी ऐसे ही पड़े रहते शाम तक 2-2 दिन के, कहाँ से माजे? गंदगी दुनिया भर की गंदगी हो जाती, रात के दिन में 63 दिन का रात में सारी रात तरफ से बर्तन एक डब्बा पानी मई उठ जाए कोई भरने का, इधर से लेते हैं पैसों के लिए, अब कमाएगा या खाएगा या पानी में पैसे उजाड़ेगा, इतनी परेशानी चल रही है बहुत ज़्यादा। अच्छा नहीं लगता बेटा, देख पानी तो होना ही चाहिए ना, पानी के बिना जिएगा कैसे बंदा? बहुत परेशानी चल रही है, यही हो सकता बेटा विनती करते हैं पानी इधर खुला दो थोड़ा। नहीं आप मेरे को विशेष अभी जी से बात करनी है। अभी तो बात नहीं हो सकती है। क्यों, क्या हो गया? मीटिंग में है। मीटिंग में है जी। कितने बजे फ्री होंगे मीटिंग से? मीटिंग शुरू होने का टाइम होता, खत्म होने का कुछ टाइम नहीं होता। आप कौन बोल रहे हैं? आप अपना नाम बता दीजिए। तिलक राज बोल रहा हूँ। हाँ जी, तिलक राज बोल रहा हूँ। तिलक राज,
अच्छा कुछ आइडिया नहीं है कितने बजे तक फ्री होंगे? 9 बजे तक फ्री हो जाएंगे? हो जाएंगे। ठीक है 9 बजे कॉल करूंगी मैं फिर। ठीक है जी ठीक। हमारे यहाँ पे 2 महीने हो गए, लगभग 2 महीने हो गए पानी नहीं आ रहा। हम अपने विधायक के पास गए 2-3 बार कि जी हमारे पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। तो कहते हैं कि हम क्या करें पानी नहीं आ रहा, तुम्हारे सिर्फ 5-6 घर ही तो हैं जिसमें तुम्हारे पानी नहीं आ रहा। उन्होंने ये बोला, हमने एप्लीकेशन लिखी, हमने एप्लीकेशन लिख के भेजी लिखी है, उनके घर गए, रात में 2:30 बजे भी गए कि पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। हम इतने ज़्यादा परेशान हो गए मैडम कि हमने उन्हें बोला कि पानी क्यों नहीं दे रहे हो आप, कितनी बार बोला, कह रहे हैं कि ऐसे ही पानी आएगा। एक उन्होंने बोला हमें शनिवार को कि एक दिन छोड़ के पानी आएगा, वो आया है सिर्फ 2 दिन आया पानी, जिसमें सिर्फ 10 मिनट के लिए पानी आया। हम फिर गए उनके पास, फिर कॉल किया, आप कॉल हमारी नहीं उठाते, कोई और उनके उठाते हैं फोन, वो कभी बात नहीं करते हमसे। विधायक जी हमारी बिरादरी के SC के होते हुए अभी वो हमें घर छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं, अब हम क्या करें बताइए। हम बहुत ज़्यादा परेशान, इतनी बड़ी बूढ़ी माता सिर जीव को देखो जरा, ये उठा उठा के लेके आती है, जिनके चलने की बस की नहीं है, ये कैसे करे बताइए। छोटे छोटे बच्चे छुट्टियाँ सबकी ऐसी बर्बाद हो गई, पानी भर भर के लेके आ रहे हैं। 2:30 बजे भी हमने धरना दिया, उनके यहाँ पे खोलता ही नहीं, मीडिया हमारे साथ गई है, कुछ नहीं करते वो, कुछ नहीं करे मैडम, बताइए आप क्या करें। अब हम घर छोड़ने के लिए मजबूर है, या कोई मर जाए या मुझसे ज़्यादा क्या करें। कितने दिन हो गए हमने धरना देते हुए भी कोई सुनवाई नहीं है मैडम। विशेष नवी शरम करो, विशेष